रजनीकांत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। डियर गाइस, आज हम सीखने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में हम सीखेंगे। तो हम सीखने चल रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इंटरचेंज कैसे होते हैं। तो व्हाट प्लस नाउन एंड हाउ प्लस एडजेक्टिव आर एडवर्ब, इस प्रकार अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट हो तो असर्टिव में परिवर्तित करने के लिए रूल वन, हाउ और व्हाट को हटा दें। रूल टू, हाउ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब को वेरी प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल दें, जैसे हाउ वेल ही प्लेज इज इक्वल टू ही प्लेज वेरी वेल, हाउ फास्ट ही रन्स इज इक्वल टू He runs very fast. How sweetly she sings, इसे असर्टिव में बदलेंगे तो she sings very sweetly. अगर what plus noun हो तो उसे हम adjective plus noun में बदल देते हैं, जैसे What a sight it is, तो what a sight को एक suitable adjective plus sight से change करेंगे और लिखेंगे it is a lovely sight. एक और उदाहरण देखें, what a boy he is, तो what a boy को adjective plus noun से change करेंगे और लिखेंगे he is a peculiar boy. रूल फोर्थ, व्हाट प्लस एडजेक्टिव आर नाउन को भी एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदलते हैं, जैसे व्हाट ए फाइन टाइम इट इज, तो देखिए ए फाइन टाइम, फाइन एडजेक्टिव है और टाइम नाउन है, तो इसे हम एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदलेंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें हम एडजेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। तो व्हाट ए फाइन टाइम इट इज इक्वल टू इट इज ए फाइन टाइम, व्हाट ए गुड प्लेस इट इज, दिस इज इक्वल टू इट इज ए गुड प्लेस। कुछ और वाक्यों का परिवर्तन देख लें, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज, दिस इज इक्वल टू इट इज ए बिग और ग्रेट प्रॉब्लम। व्हाट ए लेम एक्सक्यूज, दैट वॉज ए वेरी लेम एक्सक्यूज। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, ग्रेट पीस ऑफ वर्क, सुटेबल एडजेक्टिव लगा दीजिए। ओ व्हाट ए फुलिश क्वेश्चन टू आस्क, दिस इज इक्वल टू इट इज ए वेरी फुलिश क्वेश्चन टू आस्क। व्हाट स्वीट डिलाइट ए क्वाइट लाइफ ब्रिंग्स, दिस इज इक्वल टू ए क्वाइट लाइफ ब्रिंग्स वेरी स्वीट डिलाइट। हाउ सैड वॉज द साइट ऑफ डिजर्टेड सिटी, द डिजर्टेड सिटी प्रेजेंटेड ए वेरी सैड साइट।
अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वेरी छुपे हुए हैं तो असर्टिव में बदलते समय उन्हें स्पष्ट रूप से अर्थ के अनुसार प्रकट कर देना चाहिए। जैसे हाउ फुलिश, दिस इज इक्वल टू हाउ फुलिश इट इज। अब इसे हम असर्टिव में बदल सकते हैं, इट्स वेरी फुलिश। व्हाट ए लेम एक्सक्यूज, व्हाट ए लेम एक्सक्यूज, ईदर इट इज आर इट वाज। तो डियर गाइस, देखिए आज हमने सीखा व्हाट प्लस नाउन को एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज करते हैं और हाउ प्लस एडजेक्टिव आर एडवर्ब को वेरी प्लस एडजेक्टिव आर एडवर्ब में चेंज करते हैं। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में सीखेंगे ओ दैट, ओ दैट प्लस दैट। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट ऐसी होगी तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो डियर गाइस, होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट the notifications of the coming videos at the soonest. Thanks for watching. Bye.